जैसा देश के गरीबों के साथ हुआ है वैसा ही छल इस देश की माइनॉरिटी के साथ हुआ है। दुर्भाग्य से देश की माइनॉरिटी को उस छल में, उस छलावे में ऐसा भ्रमित रखा गया है, उसको भयभीत रखा गया है। अच्छा होता उसकी शिक्षा की चिंता होती, अच्छा होता उसमें से सामाजिक सार्वजनिक जीवन के भिन्न भिन्न स्तर के लीडर पैदा होते, अच्छा होता समाज के अन्य वर्गों की बराबरी में उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में एक छलावा, एक काल्पनिक भय, एक काल्पनिक वातावरण और डर का माहौल पैदा कर करके उनको दूर भी रखा, दबा करके भी रखा और सिर्फ चुनाव में उपयोग करने का खेल चला। 2019 में आज मैं एक जिम्मेवारी के साथ आपसे अपेक्षा करने आया हूं। अब जब संविधान को के सामने सर झुका करके आपके सामने खड़ा हुआ हूं, तब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें इस छल को भी छेद करना है। हमें विश्वास जीतना है। 1857 का स्वातंत्र संग्राम इस देश की हर कौम, हर जात, हर पंथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आजादी का बिगुल बजाया था 1857। आज जब हम आजादी के 75 साल के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी कर रहे हैं, तब देश की एकता और अखंडता के लिए, भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सबके लिए दायित्व तो बनता है उस 1857 के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करें और उस समय 1857 में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे, अब सुराज्य के लिए लड़ना है, गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। ये भय, डर, काल्पनिक जो चीजें बनाई है उसमें छेद करना हम सबके जीवन और आचरण और हमारी जुबान से भी निकलना चाहिए। एक बहुत बड़ी दायित्व है, उस दायित्व को हमें निभाना है। देश ने हमें, और जैसे मैंने कहा, जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारा घोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए, हमारे लिए कोई भेद नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आज इस संविधान के साक्ष्य में, वो संविधान है जिस पर देश के उन महापुरुषों का हस्ताक्षर है, जिस पर बाबा साहब अंबेडकर के एक एक शब्द पर उनकी कलम का असर है, और इसलिए उसकी साक्षी में आज हम मन में संकल्प करके चले कि देश के सभी वर्गों को, और पुराने तरीके काम नहीं आएंगे जी, वो तरीके उनको मंजूर है, हमें तो एकमात्र मार्ग हम सबने मिलकर के 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए, पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।